हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम एक बिरयानी कुकर में बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर को अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें 5 बड़े चम्मच तेल डालें और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। प्याज को हमें हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। याद रखिए कि प्याज को आप हाई फ्लेम में ही फ्राई करें, तभी प्याज क्रिस्पी होगा, अदरवाइज ये सॉफ्ट हो जाएगा। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब आप इसे निकाल दें। ये ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। सारे प्याज निकाल लें। अब हम एग फ्राई करेंगे। बॉइल एग ले और उसे इस तरह नाइफ से कट कर ले, ताकि जब इसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो इसके अंदर अच्छे से ग्रेवी चला जाए। सेम प्रोसेस से सारे एग को कट कर ले। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल दे, जिससे एग में अच्छा कलर आ जाएगा। एग को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। एग फ्राई हो चुका है, अब आप इसे निकाल दें और उसी तेल में हम मसाला फ्राई करेंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो आप 1-2 चम्मच तेल और ऐड करें। सबसे पहले हम खड़ा मसाला डालेंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा और लौंग डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लें। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर डालेंगे। टमाटर को हमें मीडियम हाई फ्लेम में इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लें। इसे अच्छे से एक बार मिलाएं। हमें टमाटर को सॉफ्ट होने देना है। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम राइस धो लेते हैं। मैं इस गिलास से 1.5 गिलास राइस ले रही हूँ। बासमती राइस लिया है, अब इसे अच्छे से धो ले और इसका सारा पानी छानकर निकाल दे। ध्यान रहे कि राइस को 15 मिनट से ज़्यादा धोकर ना रखें, नहीं तो राइस टूटने लगेगा। आप अपने हिसाब से राइस को धो के रख लें, बस ध्यान रहे कि 15 मिनट से ज़्यादा ना रखें। आप देख सकते हो टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से एक बार मिला दें। ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो गरम मसाला को लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं मसाला फ्राई करते वक्त ही डालती हूँ। अच्छे से मिलाए। अब इसमें हम थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से धनिया के पत्ते डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आप अपने हिसाब से, अगर आपको मिंट का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ले। अगर मसाला आपका नीचे से सट रहा हो तो आप 2 या 3 चम्मच पानी ऐड कर लें। मसाला
मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम दही डालेंगे। आप दही डालने से पहले इसका फ्लेम एकदम कम करते, अगर कुकर आपका ज़्यादा गर्म हो तो आप उसे बंद कर दें। मैं यहाँ पे 4 चम्मच दही ले रही हूँ। इसे अच्छे से मिला दें। याद रखें कि फ्लेम एकदम लो हो, या तो आप फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो दही फट जाएगा। मैंने फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और इसे अच्छे से मिला लें। दही को 1 या 2 मिनट लो फ्लेम में पकने दें। दही फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो तेल ऊपर आने लग गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने 1.5 गिलास राइस लिया था तो उसी गिलास से 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। हम इसमें राइस डालेंगे। एक बार में पूरा राइस ना डालें, पहले आधा राइस को डालें और उसे एक बार अच्छे से मिला दें। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा डालेंगे। ऊपर से बचा हुआ सारा राइस डाल दें। अब थोड़ा सा हरा धनिया दें और थोड़ा सा हरा पुदीना। इसमें हरा मिर्च डालें और हमने जो प्याज फ्राई किया था उसे भी डाल दें। अब इसमें 2 चम्मच केसर वाला दूध डालें, 1/2 चम्मच नमक डालें और 1 चम्मच घी डालें ऊपर से। इसे ना मिलाएं और इसका लिड को बंद कर दें। फुल हाई फ्लेम में एक फुल सीटी आने दें। उसके बाद आप इसका फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम में 2 मिनट तक इसे पकने दें। उसके बाद आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें और पूरा प्रेशर निकलने दें। कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, इसे अब हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि राइस हमारा एकदम खिला खिला बना है। अब इसे आप धीरे धीरे करके अच्छे से मिला ले। बिरयानी अच्छे से मिल चुका है। बिरयानी हमारा रेडी है। आप इसे कभी भी रेडी कर सकते हो। इसे 15 से 20 मिनट लगते हैं रेडी होने में। आप इसे रायता के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।